मॉर्निंग, नमस्ते. होप यू आर स्टेइंग सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी. ये है राजेश रुद्रा. यहाँ टाइम बज रहा है 9:30. 9:30 बजे हम लोग उठे नहीं हैं. मैं उठ गई थी अराउंड एक सेकेंड मैं उठ गई थी अराउंड 4:30 बजे कि खांसी बहुत आ रही थी. मुझे लगा कि अब आधे घंटे में उठना ही, तो अभी उठ जाती हूँ. फिर उसके बाद अभी चले गए 7:30 तक ब्रेकफास्ट वगैरह करके, और फिर 8 o'clock से आज बच्चों की क्लास थी. कल तो 9 बजे से थी, बट आज 8 बजे से थी. तो मैं चाय भी नहीं पी पाई और इन बच्चों के साथ क्लास करने में लगी थी. अभी इनका ब्रेक टाइम हुआ है 10:30 से, है ना क्लास उन लोगों की? हाँ, 10:30 से क्लासेस हैं. बेचारे बच्चों ने तो कुछ भी नहीं खाया, आज बेचारे लेट उठे थे. तो मैंने सुबह केक बना दिया था इन लोगों के लिए, तो ये लोग पहले वो खाएंगे, फिर उनको चॉकलेट खाने का, मेरे को चॉकलेट खाएंगे, और मैं सबसे पहले चाय पीऊँगी. सुबह से चाय नहीं पिया. ब्रेकफास्ट का निकाला लेकिन रख दिया वापस, क्योंकि बच्चों की क्लास थी. तो ये मैंने बना के रखा है, ये DIY वाला, और ये चॉकलेट पाउडर डालकर मैंने आटे में बनाती हूँ. हेल्दी भी है, वो भी खुश और मैं भी खुश. चलिए मैं लोगों को ब्रेकफास्ट सब. मैं चली गई थी मार्केट और अभी बज रहे हैं 2. अराउंड 11:30 बजे मैं निकली थी. मुझे चीज़ लाना था असल में. छोटे छोटे पोर्शंस पे चीज़ लाओ तो समझ में आता नहीं, बच्चे चीज़ खाते हैं, सैंडविच के लिए यूज़ होता है, हम सब खाते हैं, और मैं प्रोसेस्ड या स्लाइस चीज़ेस अवॉइड करती हूँ. तो मैं शॉप ढूंढ रही थी यहाँ पे, क्योंकि वहाँ आइलैंड में तो शॉप्स बहुत अच्छी अच्छी हैं, और पता भी थी, बेस्ट पार्टी थे. यहाँ तो मुझे कुछ पता भी नहीं है मेनलैंड पे. तो खैर फिलहाल ढूंढते ढूंढते बहुत सारे ग्रुप्स ने पूछा, तो पता चला यहाँ पे गुडी सुपर मार्केट है. इफ़ यू आर सीइंग फ्रॉम मी फ्रॉम लेगोस, और अगर आपको गुडीज के अलावा भी कोई अच्छी सुपर मार्केट पता है, थोड़ी हाई एंड हो, क्योंकि वहाँ पे चीज़ अच्छे मिलते हैं. वहाँ पे चीज़ अच्छी मिलती है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक. तो अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे बताना, जो आइलैंड पे डेलिस 9 to 7 या हार्टलीज जैसा हो. फिलहाल मैं गुडीज़ गई, और गुडीज़ से मैं ये लेकर आई जो बेस था, ये क्रीम चीज़ का ये पूरा एक बॉक्स है. ये है चेदार चीज़, ये मोज़रेला, ये बटर. बटर पे प्रमोशन चल रहा है एम्बेसडर का, बाय वन गेट वन फ्री. ये है तो चेदार चीज़ का ये ब्लॉक मुझे पड़ा था. एक मिनट उठाती हूँ यहाँ से. हाँ, ये चेदार चीज़ का ब्लॉक मुझे पड़ा 6308 नायरा का. ये मोज़रेला चीज़ का ब्लॉक है, ये पड़ा मुझे 4,640, बट इसका उसने 5,555 का बिल लगाया, कहती कि नई प्राइस अपडेट हुई. अब मैं क्या कर सकती, लेना था ही. और ये क्रीम बड़ा वो लिया है, क्योंकि छोटा वाला तो हमारे ऐसे हफ्ते में ख़त्म हो जाता है, ये चीज़ की बनाने के लिए सही है. वो छोटस लाओ फिर बनाओ, एक अलग ही उसका वो रहता है, मुझसे नहीं हो पाता. और बाय वन गेट वन था, तो मैंने 4 पीसेस लिए, तो मुझे 8 पीसेस बटर मिल गया. ये और भी सामान, सब्जियां वगैरह मैं स्पार से लेकर आई, और के लिए हाँ एक और चीज़ ले आई हमारे आउटडोर के लिए, पिकनिक जैसा कुछ बच्चों को फील आएगा. ये फोल्डेबल बेड्स हैं, ये अभी मैं ओपन नहीं करूँगी, वरना इनको बंद करना भी शायद मेरे लिए टफ काम होगा. तो भूख लगी और बच्चों को भी कुछ खाने को देना है, तो ये 2 मैं लेकर आई हूँ, जिससे कि बाहर बैठा कर, सऊदी में हम जाते थे ना गार्डन में, अरे सॉरी पार्क में पिकनिक के लिए, तो वही वाली शायद फीलिंग मैं यहाँ पे क्रिएट कर पाऊँ इन सब के लिए. रुद्रा ने तो नहीं देखा है, रुद्रा को पता नहीं होगा, रुद्रा तो बच्चा था उस वक्त, बट हबी और राजेश को शायद फिर से सऊदी की बातें याद आ जाएंगी. और तो ये शॉपिंग इस बॉक्स में, ये मैंने पूरा वहाँ से किया गुडी से, बाकी पैकेट्स बाहर से था. ये मैं टोमेटो, अभी तक मैंने टोमेटो बल्क में नहीं लेना शुरू किया है, तो मैं ये लेकर आई हूँ. टोमेटो का पूरा सॉस है ये, टोमेटो केचप मैंने लेना बंद कर दिया है, जब से मैंने पढ़ लिया कि टोमेटो केचप बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए ख़राब होता है. और ये शुगर है, और ताहिनी जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे घर के लिए, हम सब ताहिनी खाते हैं. और ऑलिव्स, ये मस्टर्ड सॉस. ये बात तो है, जब नई नई गृहस्थी शुरू होती है ना फिर से, तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपके बैकलॉग में कुछ चीज़ें रहती हैं, आप उनको रोटेट करते रहते हो करते रहते हो. बट अभी तो हम बिल्कुल फिर से नया, जो थोड़ा बहुत वहाँ पैंट्री में था मैं ले आई थी. मैंने 2-3 महीने से मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग फुल वाली करनी बंद कर दी थी, इसी वजह से कि ज़्यादा सामान नहीं इकट्ठा करना है, जो ज़रूरत होगा वही आएगा, तो इस वजह से. एनीवेज चलिए फिर मैं बच्चों को फटाफट, बच्चों ने बोला है कि अब चीज़ आ गया है तो हमें चपाती में चीज़ और जैम लगा के दो, तो वो मैं उनको देती हूँ, फिर मैं चाय बनाऊँगी, फिर मैं खाने की तैयारी करती हूँ.
तो बच्चे फाइनली खा चुके हैं अपना चपाती चीज़ जैम, और मैंने खाना दाल चढ़ा दी है, बस खाली राइस बाकी है और सब्ज़ी हल्की सी फ्राई करनी है बस। तो खाने का भी काम हो गया है, मैं बैठ भी मिल गई है। तो मैं खा रही हूँ ये ब्रेड, और जो आज मैं अपने लिए ग्रीन टी लेकर आई थी, ग्रीन टी नहीं एक्चुअली बेरी टी है, तो वो लेकर, और ये सब मैं भी पेट पूजा कर लूँ तभी थोड़ी स्टेमिना आएगी आगे का काम करने के लिए। तो सारा खाना वगैरह बन चुका है, मैं बच्चों को खाना लगाने जा रही हूँ। और ये रूदा बेबी क्या कर रहा है, और ये रूदा बेबी ने बनाया है लेगो से, क्या बनाया है रुद्रा? Invention when you pull out this vent, when you put this in the wood and lift the button out, and when it pulls the wood out. Really? Oh my God! So this is so interesting, Rudra. देखो ये कैसे चलता है, ये button off है, तब left कर दो. आराम से आराम से. ऐसे करेगा, wood को chop करेगा, onions को भी. हाँ, अनियंस को भी चॉप करेगा वो। वाओ, व्हाट अ टेक्नोलॉजी। और तब स्पीड बनाओ बनाओगे। ये तुम हिमसेल्फ बनाए थे कि भैया हेल्प किया था? हिमसेल्फ। और ये है इसका लेयर का पीस को स्पॉइल करने के लिए और क्लैश करने के लिए। रियली? और जैसे ये टूटेगा इसका गियर ऐसे मूव करेगा। तब जैसे वो बोलेगा एक्टिवेटिंग स्प्लैशिंग फ्लाई करने लगेगा एरोप्लेन जैसे। और जैसे इसका भी है, जैसे ये कार जैसे नहीं चल पाएगा क्योंकि ये अटैच हो गया है मोटर जैसे। ये ऐसे ये करेगा तब जैसे बूम कर लेगा, ब्लास्ट हो जाएगा वो। और मैं भी ब्लास्ट कर लेगा। आज तो गर्म पानी पता नहीं क्यों मुझे इतना अच्छा लग रहा है, शायद चाय बनाने की आलस से भी मुझे लगता है कि चलो गर्म पानी पी लेते हैं। मैं नीचे ले जाता किसी नहीं लेगो ऊपर ड्रॉप करके, और मम्मा खाना लगाने जा रही है। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल। तब तक आप लोग हैप्पी रहिए, सेफ एंड हेल्दी रहिए, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय। बाय तो बोलो। बाय। से सी यू टुमारो। से यू टुमारो। चलो भैया को बुलाओ। राजा आ जाओ। भैया को तो भैया बोलना भी रुद्रा को पसंद नहीं। आज बोल रहा है राजेश भैया। वेरी गुड।